हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। देखिए, व्हाट इज पीएचपी, यानी पीएचपी क्या है, इस सेक्शन में हमें देखना है। तो देखिए, पीएचपी क्या है। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स मीनिंग क्या है उसका। डायनेमिक वेबसाइट हम किसे कहते हैं और इंटरेक्टिव वेबसाइट हम किसे कहते हैं। तो देखिए, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। तो डायनेमिक मीन्स जब हम एक वेबसाइट को विजिट देते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो अगली बार जब हम विजिट देते हैं तो उसका कंटेंट चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लुक है, वो हर टाइम हमें न्यू दिखाई देता है, उसे हम डायनेमिक कहते हैं। और इंटरेक्टिव वेबसाइट मींस जिस वेबसाइट को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर सकता है, यानी मैसेज कर सकता है और उससे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव वेबसाइट कहते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट का हमें अगर क्रिएट करने हो तो हम पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट के अपोजिट है स्टैटिक। स्टैटिक यानी जो वेबसाइट्स चेंज नहीं होती, हम कितनी बार भी उसे विजिट देते हैं तो उसका कंटेंट वही रह जाता है, उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर, उसका लुक चेंज नहीं होता, उसे स्टैटिक कहते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट हम HTML का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर HTML के साथ अगर आप PHP यूज कर सकते हैं तो आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं, डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। यानी PHP का यूज करके PHP का जो स्क्रिप्ट है वो आप HTML के कोड में एम्बेडेड कर सकते हैं। तो इस तरह से PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो यूजर है वो डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, बाद में है PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो PHP का जो स्क्रिप्ट है वो सर्वर पर रन हो जाता है। PHP का जो प्रोग्राम है वो सर्वर पर रन हो जाता है, तो उसे हम PHP को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और PHP जो है वो ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका कोई भी यूज कर सकता है, उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है या कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है। और इंटरनेट पर हमें PHP लैंग्वेज क्या मिलती है, फ्रीली डाउनलोड हम कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि PHP लैंग्वेज का एक्चुअली एग्जीक्यूशन किस तरह से हो जाता है। देखिए, PHP को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी PHP की जो स्क्रिप्ट है, जो प्रोग्राम्स है, वो सर्वर पर अपलोड किए जाते हैं और बाद में वो रन कब हो जाते हैं, जब क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट है, जो क्लाइंट है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर को रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस की। और सर्वर क्या करता है, जो वेब पेज की डिमांड की है वो सर्च करके वो जो वेब पेजेस है वो क्लाइंट के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, इस तरह से क्या होता है, PHP का स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म हो जाता है। इस तरह से है PHP का वर्किंग यहाँ पर होता है। तो देखिए, इस तरह से हम PHP का यूज करके इंटरेक्टिव और डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। तो अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि PHP का वह है PHP ही क्यों, बाकी के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्यों नहीं, तो वो हम अगले सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।